और हाज लियाकत अली अंसारी साहब जो मौजूदा चेयरमैन इरशाद अली अंसारी साहब के वालिद मरहूम हैं, उनकी याद में एक बेटे के लिए अपने बाप को इससे बड़ा तराज अकीदत कोई नहीं हो सकता कि वो उनके नाम पर कोई ऐसा काम करे जिसमें हजारों लोगों की दुआएं शामिल हो जाएं। आज उनके नाम पर ये जो मुशायरा मुनाकिद है, आप खुश होंगे मुशायरा सुन के, आपको पैगाम देके जाएंगे और मरहूम लियाकत अली को याद करेंगे, दुआ देंगे। मेरा ख्याल है चेयरमैन इरशाद के लिए इससे नेक काम कोई नहीं हो सकता। उनके तमाम दोस्त जो इन्होंने इस मुशायरे में जिन्होंने ताउन किया है, मैं सबका शुक्रिया अदा करता हूँ। जब हम अपने बड़ों का एहतराम करते हैं तो उनके ऊपर कोई एहसान नहीं करते, बल्कि अपने शरीफ होने का सबूत दिया करते हैं। हम दौलत और शोहरत में बढ़े जितना भी, लेकिन हम दौलत और शोहरत में बढ़े जितना भी, लेकिन हम अपने बुजुर्गों से बड़े हो नहीं सकते। जो हमारे बुजुर्ग हैं, हम उनसे बड़े कभी नहीं हो सकते, हमें उनका एहतराम करना पड़ेगा। और अगर ये एहतराम की रवायत बाकी रही तो कल जब हम बुजुर्ग होंगे तो हमारे छोटे हमारा एहतराम करेंगे। तो बड़ों का एहतराम करके हम एहसान नहीं करते, छोटों को रास्ता दिखाते हैं कि देखो तुम्हें हमारा एहतराम करना चाहिए। तो आज जो ये मरहूम लियाकत अली साहब की याद में मुशायरा है, ये एक दरअसल तहजीब का एक चिराग आपने रोशन किया है। और आने वाले दिनों में जो आपके शहर की बड़ी शख्सियतें हैं, आप उन्हें भी जब याद करेंगे तो तहजीब का ये चिराग मुसलसल इसकी लौ और ज़्यादा फरोजा होगी, मतलब नहीं होने पाएगी। बहुत बहुत शुक्रिया आप तमाम लोगों का। आइए अब मैं गजल के माहौल में आपको ला रहा हूँ। गजल जिंदगी के जज्बात की कहानी का नाम है, गजल दिल के एहसासात की तर्जुमानी का भी नाम है, गजल दिल के जज्बात का कसीदा भी है और दिल्ली के उजड़ जाने का मरसिया भी है। गजल में दिल भी है और दिल्ली भी है, इसलिए गजल मोहब्बत करने का सलीका भी सिखाती है और साहिब इख्तदार के चेहरों पर जो खराशें हैं उन खराशों को तंज के तौर पर इस तरह भी पेश कर देती है कि साहिब इख्तदार महसूस करें कि हमसे कहीं ना कहीं चूक हो रही है। ये गजल का जादू है। तो आइए मैं चाहता हूँ कि गजल के माहौल में आपको लाऊं, कहीं से भी गजल शुरू हो जाएगी आपको अच्छी लगेगी। तो मैं सबसे पहले ये चाहता हूँ कि आपके शहर के बहुत ही बाइज्जत शायर, बहुत ही बाशऊर सलीकामंद शायर जनाब समर जाफरी से मैं कोशिश करूँगा कि गुजारिश करूँ कि वो तशरीफ लाए। समर जाफरी समर जाफरी इसमें आपने पहले लिखवा दिया, कोई बात नहीं, फिर पहले समर जाफरी साहब को मैंने इसलिए पुकारा पहले कि समर के नूरपुर के हैं, रहे हिंदुस्तान में चाहे जहाँ, लेकिन नूरपुर का जो नूरानी रंग है वो इनके चेहरे पर बाकी रहेगा। इस वक्त भी तवज्जो से देखिए तो तखल्लुस इन्होंने समर रखा है। और मैं शुक्रिया, बहुत बहुत शुक्रिया। एक शेर जनाब कुतुबुद्दीन अंसारी के हवाले से आप तक पहुंचा रहा हूं और एक शेर इरशाद भाई के हवाले से, बाकी मैं अपनी तरफ अर्ज करता हूं। अदब से मिलते हैं, अदब से मिलते हैं सबको सलाम करते हैं, अदब से मिलते हैं सबको, अदब से मिलते हैं सबको सलाम करते हैं, अदब से मिलते हैं सबको सलाम करते हैं, गजल का हम भी बहुत एहतराम करते हैं। अदब से मिलते हैं सबको सलाम करते हैं, गजल का हम भी बहुत एहतराम करते हैं। और एक मतला एक शेर मुलायजा फरमाए, चौथा मिसरा नफीस भाई की नजर है, तीन मिसरे आपकी नजर है, मुलायजा करता हूँ। मुलायजा फरमाए के हमेशा हमेशा बे सलीका बोलता है, क्या कहने, हमेशा बे सलीका बोलता है,
तेरे लहजे में बच्चा बोलता है, हमेशा बेसलीका बोलता है, तेरे लहजे में बच्चा बोलता है। और मुलाजा करें कि अमल की भी खुदा तौफीक दे दे, अमल की भी खुदा तौफीक दे, अमल की भी खुदा तौफीक दे दे, मेरे भाई तू अच्छा बोलता है। अमल की भी खुदा तौफीक दे दे, मेरे भाई तू अच्छा बोलता है। और एक मतलब शेरों मुलाहजा फरमा लें कि देखकर वक्त की रफ्तार बदल जाते हैं, देखकर वक्त की रफ्तार बदल जाते हैं, देखकर वक्त की रफ्तार बदल जाते हैं, गए तो गए यहां यार बदल जाते हैं। देखकर वक्त की रफ्तार बदल जाते हैं, गैर तो गैर यहां या बदल जाते हैं। इस शेर पे मुलाजम हमारे शेर पर शेर होकर कैसे बच पाएगी ये कौम तबाही से समर्थ, कैसे बच पाएगी मुलाजम हमारे कि कैसे बच पाएगी, कैसे बच पाएगी ये कौम तबाही से समर्थ, लोग इस कौम के सरदार बदल जाते हैं। और देखकर वक्त की रफ्तार बदल जाते हैं, गैर तो गैर यहां यार बदल जाते हैं। और कैसे बच पाएगी ये कौम तबाही से समर, रोज इस कौम के सरदार बदल जाते हैं। चार मित्रों मुलाजा हमारे नूरपुर के हवाले से कि किसी तरह भी गमों से फरार पा न सके, किसी तरह भी गमों से फरार पा न सके, किसी तरह भी गमों से फरार पा न सके, तुम्हारे साथ भी रहकर करार पा न सके। किसी तरह भी गमों से फरार पा न सके, तुम्हारे साथ भी रहकर करार पा न सके। और हमारा नाम उन्हीं में शुमार कर लेना, तुम्हारे शहर में जो कारोबार पा न सके। किसी तरह भी गमों से फरार पा न सके, तुम्हारे साथ भी रहकर करार पा न सके। और हमारा नाम उन्हीं में शुमार कर लेना, तुम्हारे शहर में जो कारोबार पा न सके।